अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं अपना वीडियो जो लेकर आई हूँ वो है टाइप्स ऑफ वर्डिंग। लास्ट वीडियो जो था स्टूडेंट वो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि बहुत छोटे छोटे थे और वो प्रोपगेशन और कटिंग वीडियो से रिलेटेड थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हों तो प्लीज़ 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 आप वहाँ जा कर के पहले वो सारे वीडियोज़ देख लीजिए, तब आकर के आप लोग यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ बडिंग वाला वीडियो देखिएगा। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को अपने डायरेक्ट लैपटॉप से ही पढ़ाने वाली हूँ, इसलिए अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नहीं दिखती है तो आप लोग प्लीज़ मैम के साथ कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा कि मैम डायरेक्ट आज आप लोगों को लैपटॉप से पढ़ा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज की वीडियो है टाइप ऑफ बर्डिंग। ये एक प्रोपोगेशन का टाइप है और बर्डिंग जो है एक एसेक्सुअल टाइप ऑफ प्रोपोगेशन है। ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड जो कि है बर्डिंग के डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ कटिंग शाइन विच इज अ बर्ड एंड रूट स्टॉक इन अ मैनर सच दैट दे मे यूनाइट एंड ग्रो सक्सेसफुली एज वन प्लांट इन टर्म ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग की डेफिनेशन क्या है? एक बर्डिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें शाइन, यहाँ पे शाइन किसको कहा गया है? शाइन यहाँ पे बर्ड को कहा गया है। वैसे बेसिकली शाइन जो है स्टेम के पार्ट को कहा जाता है, बट यहाँ पे हम लोग प्रोपगेशन के लिए बर्डिंग में जो है हम लोग बर्ड लेते हैं, इसलिए इसमें शाइन को बर्ड कहा गया है। और जब हम लोग बर्ड को किसी रूट स्टॉक पे जो है इस तरीके से टाई अप करते हैं या फिर जो है बर्ड को इंसर्ट करते हैं जिससे बाद में वो यूनाइट करके एक सक्सेसफुल प्लांट में ग्रो हो सके तो उस प्रोसेस को बर्डिंग कहते हैं। द पॉइंट एट विच साइन इज जॉइंट एट रूट स्टॉक इज टर्म्ड एज मैट्रिक्स। वो पॉइंट जहाँ पे रूट स्टॉक जो है साइन से जॉइंट होता है, मीन्स जब आपने बर्ड इंसर्ट किया रूट स्टॉक पे और उसको टाई अप कर दिया, आफ्टर फ्यू डेज आप देखेंगे कि साइन जो है रूट स्टॉक से जॉइंट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो वो जो जॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जो मैं लास्ट वीडियो में कटिंग वाले में एक इमेज दिखाई थी जिसमें साइन को बताई थी साइन क्या होता है, रूट स्टॉक क्या होता है, और जब साइन और रूट स्टॉक एक जगह से जो है इंटरसेक्ट कह लीजिए या फिर जॉइंट अप होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर स्टॉक बोलते हैं। बट यहाँ बर्डिंग में जब साइन जो है जॉइंट होता है रूट स्टॉक से तो उस पॉइंट को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज टाइप्स ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग की डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स की बर्डिंग होती हैं। टाइप्स ऑफ बर्डिंग्स आर एज फॉलोज। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बर्डिंग। फर्स्ट इज सील्ड बर्डिंग, सेकेंड पैच बर्डिंग, देन चिप बर्डिंग, फोर्थ है रिंग बर्डिंग, फिफ्थ है मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग, सिक्स है फॉर्केट बर्डिंग एंड सेवन्थ इज मॉडिफाइड फॉर्केट बर्डिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें जो होता है इम्पॉर्टेंट शील्ड बर्डिंग, सील्ड बर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद पैच बर्डिंग, आफ्टर दैट रिंग बर्डिंग और हो गया फॉर्केट बर्डिंग। ये जो फोर टाइप के बर्डिंग हो गए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके अलावा जो ये चिप बर्डिंग, मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग एंड मॉडिफाइड फॉर्केट बर्डिंग है ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट दीज फोर मीन सील्ड एंड पैच हो गया और रिंग और फॉर्केट बर्डिंग हो गया, इनमें एग्ज़ाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चार टाइप ऑफ बर्डिंग से। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। फर्स्ट है शील्ड बर्डिंग, शील्ड बर्डिंग देख लेते हैं। शील्ड बर्डिंग क्या होती है, कैसे की जाती है? शील्ड बर्डिंग जो होती है, इन दिस मेथड बोर्ड शेप बर्ड ऑफ 2.5 to 3 सेंटीमीटर लेंथ इज यूज्ड फॉर बर्डिंग।
इसमें क्या करते हैं, इसमें एक बोट शेप का बर्ड जो है, बर्ड कट किया जाता है पहले तो स्टैंड पे से, या आप लोग समझ लीजिए स्टम्प पे से कट किया जा रहा है, जो अदर प्लांट है वहाँ से कट किया जा रहा है, बोट शेप का कट किया जाता है बर्ड, जो कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर लेंथ का होता है, उसको हम लोग बडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इफ द बर्ड इज इंसर्टेड बाई मेकिंग वर्टिकल इंसीजन ऑन रूट स्टॉक, इट इज टर्म्ड एज शील्ड बर्डिंग। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सेकेंड पॉइंट में ये कहा गया है, अगर बर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, वर्टिकल इंसीजर लगाकर, वर्टिकल कट लगा करके रूट स्टॉक पे अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो इसको शील्ड बर्डिंग कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछा जाता है कि शील्ड बर्डिंग में जो है किस शेप का बर्ड कट किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे लिख देंगे कि बोट शेप का जो है कट किया जाता है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है लाइनिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं बन पा रही है, बट आप लोग समझ जाइएगा, फर्स्ट टाइम मैम यूज़ कर रही हैं इसको। और एग्ज़ाम में और क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि एग्ज़ाम्पल क्या है शील्ड बर्डिंग की, या फिर आप लोगों से कोई फ्रूट्स के नेम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एप्पल, पियर, पीचेस, एप्रिकॉट, चेरी हो गया, स्वीट ऑरेंजेस हो गए एटसेट्रा, ऐसे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से कि एप्रिकॉट में किस टाइप की बर्डिंग अप्लाई की जाती है, या फिर किस टाइप की बर्डिंग से जो है एप्रिकॉट प्लांट प्रोपोगेट किया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोपोगेशन वाले पार्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि पूछ लेते हैं प्लांट्स जो है किस प्रोपोगेशन से प्रोपोगेट हुए हैं, मीन्स ये वेदर इट इज़ बर्डिंग और लेयरिंग यूज़ हुई है या ग्राफ्टिंग यूज़ हुई है उसमें, या फिर जो है कह लीजिए कट सिंपल कटिंग के थ्रू जो है प्लांट को प्रोपोगेट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें प्रोपोगेशन वाले चैप्टर से आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं जैसे ही मैं बताई ना कि यहाँ पे बोट शेप का जो है शील्ड बर्डिंग में बर्ड प्रिपेयर किया जाता है, तो ये देखिए ये फर्स्ट वाले में बोट शेप का अच्छी बर्डिंग बनाई, बर्ड कट किया गया है। आफ्टर दैट सेकंड वाले पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, ये सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, इस तरीके से किस पे, रूट स्टॉक पे। आफ्टर दैट इंसर्ट करने के बाद ये क्या है, ये होती है पॉलीथीन स्ट्रिप, ये पॉलीथीन स्ट्रिप होती है, इससे जो है जब हम किसी भी बर्ड को जो है टाई अप करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं रूट स्टॉक पे, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देते, इंसर्ट करने के बाद जो है उस पे हम लोग टाई अप करते हैं किससे, पॉलीथीन स्ट्रिप से, या फिर कहीं आप लोग देखे होंगे कुछ जो है सुतली वाले जो मतलब कि धागे होते हैं उनसे करते हैं, बट उनमें प्रॉब्लम ये होती कि वो जो है प्लांट पे अपना निशान छोड़ सकते हैं, इस वजह से बेटर होता है कि पॉलीथीन से ही हम लोग इसको टाई अप करें, ठीक है। बेस्ट प्रोपोगेशन में जो बेस्ट होता है वो यही होता है कि इसको पॉलीथीन से स्ट्रिप से रैप किया जाता है। ओके, नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज पैच बर्डिंग। इन दिस मैथड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप बर्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द स्टैंड सूट, सिमिलरली साइज इंसीजर इज मेड ऑन रूट स्टॉक, द बर्ड इज प्लेस्ड ऑन द रूट स्टॉक। सिंपल पैच बर्डिंग में क्या होता है, सिंपली जो होता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के बर्ड जो है सैंड सूट से जो है कट करके उसको जो है उसी साइज का जो है इंसीजर लगाते हैं रूट स्टॉक पर, तब वहाँ पे इंसर्ट करके उसके ऊपर और पॉलीथीन स्ट्रिप से रैप कर देते हैं। आफ्टर दैट फ्यू डेज आप जो है नोटिस करेंगे कि वो बर्ड वहाँ से उसमें से जो है ग्रोथ होने लगी है, मींस उसमें से लीव्स वगैरह आने लगी है, वो वहाँ से जो है ब्रांचेस निकलने लगे हैं, तो आप लोग समझ लेंगे कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है पैच बर्डिंग। सेम वो है फ्रूट में, जैक फ्रूट हो गया, आंवला हो गया, मैंगो हो गया, जामुन हो गया, चेस्टनट हो गया एटसेट्रा, ये कुछ एग्जांपल है फ्रूट के जिनमें जो है पैच बर्डिंग से प्रोपोगेशन किया जाता है। स्टूडेंट लास्ट स्लाइड में जब मैं बता रही थी आप लोगों को एग्जांपल्स, तब भी मैं कही थी और अभी भी ये कह रही हूँ कि
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस टॉपिक से, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट किस मेथड से या किस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन से प्रोपोगेट हुआ है। एग्ज़ाम में अक्सर जो है मोस्टली 3 to 4 क्वेश्चन अराइज होते ही होते हैं, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर जो है कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन कहीं से भी होगा, मीन्स टेम्परेट फ्रूट से भी पूछ लेंगे, ट्रॉपिकल फ्रूट से भी पूछ लेंगे, या फिर कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनमें करते हैं प्रोपोगेट करते हैं। लाइक जैसे लास्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताई थी ना कि जो है हर्बेशियस कटिंग जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में करते हैं, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल किसी भी प्लांट का एग्जांपल देके आप लोगों से पूछ लेते हैं कि इजली कि ये जो है किस मेथड से प्रोपोगेट हुआ है। ओके, अकॉर्डिंग दिस मेथड इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन देयर इज लैक ऑफ सैप फ्लो एंड बड डज नॉट स्लिप आउट इजली फ्रॉम द बार्क। ये मेथड जो है तब प्रैक्टिस किया जाता है जब बर्ड जो होता है ईजली जो है कट नहीं हो पाता या फिर इजली निकल नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि वो शूट में से जो है छाल में से इजली उसकी छाल नहीं निकल पा रही है, जब लैक ऑफ सैप फ्लो होता है और बर्ड इजली जो है वहाँ से स्लिप नहीं कर पा रही, तब उस टाइम जो है इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। और इस मेथड में जो है बर्ड को जो है वुड के साथ ही कुछ लकड़ियों के साथ ही निकाला जाता है नाइफ से। सिमिलरली साइज के इंसीजर जो है बनाए जाते हैं, कट बनाए जाते हैं रूट स्टॉक पे, तब वहाँ पे जो है इस रूट स्टॉक को प्लेस करके फिर रैप कर दिया जाता है किससे, पॉलीथीन स्ट्रैप से या पॉलीथीन टेप से। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल्स, पियर एंड ग्रेप्स। फोर्थ है रिंग बडिंग। इन दिस मेथड रिंग शेप बार्क ऑफ 2.5 टू 3 सेंटीमीटर लेंथ कंटेनिंग अ बर्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द शाइन सूट ऑन टर्मिनल एंड ऑफ द रूट स्टॉक इंसीजर सिमिलरली इन साइज ऑफ बर्ड इज मेड। रिंग बडिंग में क्या होता है, रिंग बडिंग में सिंपली जो है हम लोग जब बर्ड को मतलब कट करते हैं तो बर्ड को ऐसे कट किया जाता है कि चारों साइड से जो है बार्क को लेके एक रिंग शेप का बना करके उसको बार्क से उतारा जाता है। जो है टर्मिनल एंड जो होता है रूट स्टॉक का वहाँ पे सिमिलर जो है इंसीजन किया जाता है या फिर कट लगाया जाता है वहाँ पे, और तब वहाँ पे बर्ड को फिट करके बिठाया जाता है एक रिंग की तरह। जैसे आप लोग फिंगर में रिंग पहनाएंगे ना तो फिट बैठना चाहिए, उसी तरीके से रूट स्टॉक में ये जो बर्ड वाली रिंग कट करके निकाला गया उस तरीके उसको जो है फिट करके बिठाया जाता है रूट स्टॉक में। और यहाँ पे किसी भी तरीके की रैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीन्स टाई अप नहीं करना पड़ता है, वो इस कदर मतलब इस तरीके से कट किया जाता है बर्ड को रिंग शेप में कि जो है वो जाकर रूट स्टॉक में प्रॉपर बैठ जाए, वहाँ पर रैपिंग की ज़रूरत ना पड़े। रिंग बर्डिंग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट कंप्लीट सर्कुलर रिंग ऑफ बार्क कंटेनिंग बर्ड द बर्ड वुड इज टेकन आउट फ्रॉम शाइन सूट बाई गिविंग अ वर्टिकल स्लिट इन द बर्ड वुड। रिंग बर्डिंग में क्या था, रिंग बर्डिंग में ये था कि बर्ड को इस तरीके से कट किया जाता है बार्क के साथ कि वो एक रिंग की तरह दिखता है, फिर जाके उसको जो है रूट स्टॉक पे चढ़ा दे मतलब कि उसको फिट कर दिया जाता था। बट यहाँ पे रिंग बर्डिंग में क्या होता है, रिंग की तरह नहीं उतारना है, उसमें जो है रिंग के शेप का कट करके एक वर्टिकल स्लिट लगा करके प्रॉपर बार्क के साथ जो है बर्ड को निकाला जाता है, फिर उसको रूट स्टॉक पे जहाँ पे पोर्शन पे लगाना है वहाँ पे जो है जाकर उसको फिट बिठा करके उसको मीन्स लगा करके बर्ड को प्रॉपर वैसा ही रूट स्टॉक पे कट करके बर्ड को वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, फिर पॉलीथीन टेप से जो है रैप कर दिया जाता है और फ्यू डेज बाद उसमें से ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है गुआवा हो गया, बेर हो गया, वॉलनट, पिकानट एटसेट्रा। यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ही है स्टूडेंट की मॉडिफाइड रिंग बर्डिंग किस में अडॉप्ट किया जाता है, तो एग्जाम्पल आप लोग कहेंगे गुआवा हो गया, बेर हो गया, वॉलनट, पीकानट एटसेट्रा।
अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं जो कि है फॉर्केट बर्डिंग। फॉर बर्डिंग पैच शेप बर्ड ऑफ 2 to 3 centimeter लेंथ एंड 2.5 to 1 centimeter विड्थ इज टेकन आउट फ्रॉम द शायन सूट। द पैच ऑफ बार कंटेनिंग द बर्ड इज फिटेड इन द इंसिजन मेड ऑन द रूट स्टॉक। फॉर्केट बर्डिंग में क्या करते हैं, फॉर्केट बर्डिंग के लिए एक पैच शेप का बर्ड जो है कट किया जाता है 2 to 3 centimeter लेंथ का। कितने लेंथ का, 2 to 3 centimeter लेंथ का एंड 2.5 to 1 centimeter विड्थ का। उसको सैंड सूट से निकालने के बाद उस पैच ऑफ बार्क को जो कि बर्ड कंटेन किया हुआ है उसको जाकर के फिर रूट स्टॉक पे सेम कट लगा करके वहाँ पे फिट किया जाता है। फिर उसको कवर्ड कर दिया जाता है विद फ्लैप ऑफ बार्क एंड देन रैप्ड विद द पॉलीथीन टेप फॉर 15 to 20 days। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पे है कि हर चीज़ में तो पॉलीथीन टेप से डायरेक्ट जो है रैप कर दिया जाता था, यहाँ पे कुछ बार्क ऑफ फ्लैप ऑफ बार्क से जो है कवर्ड किया जाता है फिर उसको पॉलीथीन टेप से रैप किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, इसका जो है मेथड जो है अडॉप्ट किया जाता है ये मेथड मैंगो जैक फ्रूट कैश्यू नट एटसेट्रा में। ओके, अब हम लोग अपनी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं जो कि है मॉडिफाइड फॉर्केट बर्डिंग। ये फॉर्केट बर्डिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं। इन दिस मेथड द वर्टिकल फ्लैप ऑफ द बार्क इज कवर्ड विद बेस पोर्शन ऑफ बर्ड ओनली, फ्लैप रिमूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। फ्रूट्स लाइक मैंगो जैकफ्रूट कैशनट एटसेट्रा कैन प्रोपोगेट थ्रू दिस मैथड। इसमें जो है फ्लैप रिमूवल की कोई जो है ज़रूरत नहीं होती इस मेथड में, और इस मेथड में वर्टिकल फ्लैप बार्क का जो है कवर्ड किया जाता है बेस पोर्शन के सिर्फ बर्ड से। और इसके एग्जांपल जो कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट प्लांट जो कि प्रोपोगेट किए जाते हैं मॉडिफाइड फॉर्केट बर्डिंग से, वो एग्जांपल्स हैं मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, कैशू नट एटसेट्रा। ये स्टूडेंट हम लोगों की लास्ट स्लाइड थी, और हम लोग इसमें पढ़े क्या पढ़े, हम लोग बर्डिंग की जो है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बर्डिंग, 7 type के हम लोग बर्डिंग पढ़े कि उनके मेथड पढ़े किस तरीके से किया जाता है। सिंपली ओवरऑल यही है कि बर्ड को जो है साइंस से और कट करके रूट स्टॉक पे इंसर्ट किया जाता है और पॉलीथीन टेप से जो है रैप कर दिया जाता है, वहाँ से जो ग्रोथ होती है वो जो है उस ग्रोथ को कहा जाता है या फिर कहा जाएगा कि वो प्रोपोगेट हुई है बर्डिंग से। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग की लास्ट स्लाइड थी, और एंड में मैं आप लोगों से ये कहूँगी प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा एक बार, और एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर दिएगा जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे हैं, उससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिली है या फिर मैं वीडियो में आप लोगों को किसी भी तरीके की जो है सुधार चाहिए या फिर कोई भी कंप्लेन है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के जो है एक बार कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के बीच में, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और अगर पुराने हैं तो फिर आप प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और देखिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करिए, मैं पक्का आपको जो है आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।